हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे रोचक वीडियो के अपडेट्स मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास और आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज किंगडम में। फ्रेंड्स, यदि आपने आज तक कभी पियानो या हारमोनियम नहीं बजाया है तो आज आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम 5 से 10 मिनट में नागिन धुन को बजा सकते हैं। नागिन धुन जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर धुन में से एक मानी जाती है, उसको बजाना लगता है कि बहुत बड़ा कठिन काम होगा, लेकिन आप पाएंगे कि अगले 5 से 10 मिनट में आप बड़ी आसानी से अपने हारमोनियम पे, अपने कीबोर्ड पे बड़ी आसानी से इसे बजा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ फंडामेंटल चीज़ बता देता हूँ। इस पूरी धुन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 सेट में हमने डिवाइड किया, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। स्टार्ट करते हैं हम सेट 1 से, जिसमें सिर्फ 4 डिजिट का हम यूज़ करेंगे, 1, 2, 3, 4 का, और इन नंबर्स के थ्रू हम इस पूरी धुन को बजा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड में इन दोनों बटन को आप देखें। यदि आप मेरा एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हम सिस्टमेटिक ढंग से किस तरीके से हारमोनियम या पियानो बजाना सीख सकते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये लिंक मैं इसका आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप उसके थ्रू आप सिस्टमेटिक हारमोनियम या पियानो भी सीख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस पॉपुलर धुन की। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इस कीबोर्ड में इन दोनों आप स्विचेस को देखें, बटन को देखें, और यहाँ से स्टार्ट करें। मैं इसे नंबर देता हूँ 1, इस बटन को नंबर देता हूँ 2, फिर मैं आऊँगा यहाँ पर 3, इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पर 4, उसके बाद मैं 5, फिर ये 6, और अंत में मेरा हाथ आके रुकेगा 7। देखिए, अब मैं एक बार बजा के बताता हूँ अपने सिंगल फिंगर से। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, ये जो अरेंजमेंट है आप इसको याद रखें, इसको आप रिवाइंड करके अच्छे से और आप देख लें। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस पैटर्न में आपको फिंगर्स का अरेंजमेंट कैसे रखना है, मैं आपको फिंगर अरेंजमेंट भी दिखा देता हूँ। फिंगर्स के लिए ये जो आपकी दोनों फिंगर्स हैं, इंडेक्स और जो मिडिल फिंगर हैं, आप इन दोनों ब्लैक कीज पे रखें, और जो आपका थंब होगा वो हमेशा वाइट की पे रहेगा। ये यहाँ, ये थंब यहाँ से यहाँ चलेगा, मीन्स थंब हमेशा नीचे रहेगा, और दोनों के लिए आप इन दोनों फिंगर्स का ही यूज़ करेंगे। अब इसको, इसी धुन को 1, 2, 3, 4 जो हमने अभी सीखा है, इसको मैं बजा के बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी चीज़ को आपको 4 बार बजाना है फ्रेंड, तो हमारा सेट 1 कंप्लीट होगा। अब मैं इसको चारों को बार बार बजा के बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिंगल फिंगर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा सेट 1 तैयार हो चुका है। बड़ी आसानी से आप इसे बजा लेंगे और आप पाएंगे कि अब जब आपका प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है तो आपकी उंगलियां आपस में उलझ नहीं रही है और आप अच्छे से सेट 1 बजा पा रहे हैं। तो आप इस तरीके से फाइनली इस तरीके से बजाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए, इसको बाद में हम फाइनल टचअप देंगे। अब हम मूव करते हैं सेट 2 की तरफ। फ्रेंड, जो सेट 2 है वो यहाँ से एक्सटेंशन है यहाँ तक का। इसमें भी हम उन 4 डिजिट का ही यूज़ करेंगे, 1, 2, 3, 4 का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली। कैसे? हम नंबर 1 दे रहे हैं अब इस स्विच को, जो की आपको यहाँ दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3। मीन्स 1, 2, 3, 4, हम इन 4 की से ही अगले धुन बजाने वाले हैं, यानी सेट 2 में इन 4 की का यूज होगा। अब कैसे वो आप देखिए, मैं पहले सिंगल फिंगर से बजा के बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3। फिर से देखिए, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3। अब फिंगर्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए आइडियली?
आपको वही मैंने बताया था आपको, अपनी इस फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से ये आपको ब्लैक की का प्रेस करना है, फिर थंब से वाइट वाला, और उसके बाद में नेक्स्ट इन फिंगर से आपको वापस थंब और उसका यूज़ करना है। देखिए इंडेक्स फिंगर, एक दो तीन चार तीन चार तीन चार तीन, क्या जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि थंब हमेशा वाइट कीज पे ही चलेगा और आपको अपने इन दोनों फिंगर्स का यूज़ करना है बाकी कीज को, ब्लैक कीज को यूज़ करने दबाने के लिए। तो आप यहीं इसी तरीके से यूज़ करें, एक दो तीन चार तीन चार तीन चार तीन, इस तरीके से हमारा जो दूसरा सेट है वो तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें हमने एक इन कीज़ को यूज़ किया। एक बार फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि किस स्पीड से और किस तरीके से आपको यूज़ करना है सिंगल फिंगर से, एक दो तीन चार तीन चार तीन चार तीन। ये हमारा सेट टू कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब हम मूव करते हैं सेट थ्री की तरफ, जो आपको बजाना है इन कीज़ के साथ में। मैं सेट थ्री की जो कीज़ है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, वो बड़ी आसानी से आप उसको बजा लेंगे। वही आपको एक दो तीन चार नंबर का यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ये किस तरीके से होगा आप देखिए कैसे। इसकी जो कीज़ हैं वो ये हैं, एक दो तीन चार तीन चार तीन दो एक। अब यहाँ आपको थोड़ा लगा कि थोड़ा मिक्सअप हो गया है, मैं इसको स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ। ये जो ब्लैक की हम इसको वन बनाएंगे, इसे टू बनाएंगे, इसे थ्री फोर टू, वापस ये दो बनेगी और वापस ये एक बन जाएगी, कैसे वन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक दो तीन चार तीन चार तीन दो एक। देखिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन चार तीन चार तीन दो ओ एक। देखिए दो के लिए हमने दो की का यूज़ किया है, जो हमने अभी दो बोला है दो ओ एक, ये इसलिए कि ताकि ये धुन ये लय बन जाए, इसके लिए हमने इसका यूज़ किया है। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ऐसा नहीं कि इसको आप यहाँ दो आके आप सोचिए कि अरे अब मैं आगे कहाँ जाऊँ, आगे तो कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए दो ओ एक है ये। फिर से करके बताता हूँ, अब मैं आपको फिंगर्स के साथ में, मैंने जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थंब हमेशा नीचे रहेगा और आपकी इंडेक्स और जो मिडिल फिंगर है वो ही आपकी ब्लैक कीज पे चलेगी, कैसे। एक दो तीन चार तीन चार तीन दो एक। देखिए यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि मैं जैसे ही वापस आया या मैंने रिवर्स वापस आने लगा शुरू किया, तो मैंने अपने थंब के साथ में दोनों फिंगर को यहाँ ला के रख दिया, वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इससे मूवमेंट स्मूथ हो गया। एक दो तीन चार तीन चार तीन दो एक। तो बड़ी आसानी से आप ये सेट तीन भी सीख जाएंगे फ्रेंड्स, इसके प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। अब जरा हम देखिए, यदि हम तीनों सेट को साथ में रख दें तो किस टाइप की धुन बनती है। मैं एक बार स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ कि कैसे ये आपको धुन देखने को सुनने को मिलेगी। सेट वन से स्टार्ट करते हैं, सेट वन हमारा बिल्कुल वही था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आइए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं सिंगल फिंगर से करके दिखाता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। वेरी गुड, एक जो हमारा सेट वन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं सेट टू की तरफ, एक दो तीन चार तीन चार तीन चार तीन, फिर से एक दो तीन चार तीन चार तीन चार तीन। मैंने यहाँ इसको रिपीट सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दबाया, बाकी आपको ये जो सेट है वो सिर्फ ये वाली जो सेट टू है वो सिर्फ एक बार ही आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट सेट थ्री, एक दो तीन चार तीन चार तीन दो एक दो एक। चलिए इस पूरी धुन को हम एक सिस्टमेटिक वे में बजा के देखते हैं। पहले मैं स्लो मोशन में बजा के बताऊंगा और फिर हम थोड़ा थोड़ा सा इसे फास्ट करेंगे, तो आपको इसका जो एक्चुअल जो स्वरूप है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे जो पहला स्टार्ट था वो यहाँ से वन से था, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। सेट टू, एक दो तीन चार तीन चार तीन चार तीन। मैं सिंगल फिंगर्स पे जाता रहा हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेट,
एक दो तीन चार, तीन चार तीन दो एक दो ओ एक, इस तरीके से आपको यहाँ से लेना है। तो ये हमारा सेट तीनों कंप्लीट हो गए। अब यदि हम फिंगर्स के मूवमेंट से बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे, वही वापस, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। स्लो करके बजाता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, वही। अब आपको जब थोड़ा सा बार बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरीके से बजाना शुरू करें, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हो जाए। फिर वापस आगे मूव हो जाए, एक दो तीन चार, तीन चार तीन चार तीन, एक दो तीन चार, तीन चार तीन दो एक। इस तरीके से आपकी पूरी धुन तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स, और आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से बजा पा रहे हैं। चलिए इस पूरी धुन को हम एक बार सिस्टमेटिक वे में बजा के देखते हैं किस तरीके से बजती है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 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 एक दो तीन चार, तीन चार तीन चार तीन, एक दो तीन चार, तीन चार तीन दो एक। फ्रेंड्स, बड़ी आसानी से आप इस धुन को बजाना सीख जाएंगे। यदि आप 5-7 मिनट 10 मिनट लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बड़ी आसानी से आप इस धुन को बजाना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी भविष्य में हमारे आने वाले रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।